हेलो गाइस, वेलकम टू सूर्या क्लासेस। हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं सैंपलिंग एंड सैंपलिंग मेथड्स के बारे में। ओके, हम लोगों ने स्टार्ट किया है रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो आइए देखते हैं कि सैंपलिंग होता क्या है। तो बताया गया है सैंपलिंग इज ए प्रोसेस, सैंपलिंग एक प्रोसेस होता है सिलेक्ट करने का एक सबसे, मतलब एक लार्ज पॉपुलेशन में, अगर हमको एक लार्ज पॉपुलेशन की स्टडी करना पड़ जाए तो स्टडी में जैसे अनलिमिटेड मेंबर्स हैं, ठीक है, तो उसकी हम स्टडी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास लिमिट एंड कॉस्ट, जो हमारे पास रिसोर्सेस होते हैं वो लिमिट है, एक तरह से हमारे पास लिमिट बता है। तो इसलिए उस लिमिटेशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, सैंपलिंग का सहारा लेते हैं। ठीक है, सैंपलिंग मतलब जैसे लार्ज पॉपुलेशन है उसमें से हम कुछ सैंपल सेलेक्ट करते हैं और फिर हम उनकी स्टडी करते हैं और उसकी बेसिस पर हम एक डिसीजन लेते हैं। ओके, तो यही होता है कि सैंपलिंग एक प्रोसेस होता है। सैंपलिंग इज ए प्रोसेस, इज प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ए सबसेट ऑफ नंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है, कि पॉपुलेशन एक होता है कि जो हमारा होल नंबर्स ऑफ मेंबर होते हैं उनको पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे ये हमारा पॉपुलेशन है, देखिए यहाँ पर ये हमारा पॉपुलेशन दिया गया है, ठीक है, और इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ये हमारा पॉपुलेशन है और इसमें से हम कुछ नंबर्स ऑफ मेंबर्स को सेलेक्ट करते हैं और ये जो सेलेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है इसको हम सैंपलिंग कहते हैं। और जो जो मेंबर्स के, जिस मेंबर को हम सेलेक्ट करते हैं, जिन जिन मेंबर को, उन्हें हम सैंपल के नाम से जानते हैं या सैंपल यूनिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां बताया गया है सैंपलिंग इज ए प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए सबसेट, सबसेट ये क्या है, एक सेट है, मेंबर ऑफ सेट है, लेकिन इसका एक सबसेट हम तैयार करते हैं। ओके, ऑफ नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए स्टडी, क्या करने के लिए, इनकी स्टडी करने के लिए या डेटा उनसे संबंधित हम डेटा कलेक्ट करने के लिए। जैसे सपोज करिए एक हमारा, हम किसी की स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है, और उसमें जो हमने डेटा कलेक्ट किया है वो बहुत लार्ज डेटा है, ठीक, और फिर उसके बाद अगर हम सभी डेटा की स्टडी करेंगे वन बाय वन करके तो हमारी जो कॉस्ट होती है बहुत ज्यादा हो जाएगी और जो एक प्रोसेस होगा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम, इस लिमिटेशन को समाप्त करने के लिए हम सैंपलिंग की हेल्प लेते हैं, सैंपलिंग का मदद लेते हैं। सैंपलिंग का मदद लेने से हमारे जो डेटा होते हैं, जो सबसेट हम तैयार करते हैं उसके बाद वो बहुत लिमिटेड नंबर्स ऑफ मेंबर्स हो जाते हैं, तो फिर हम उनकी स्टडी कर लेते हैं आसानी से। ओके, अबाउट देयर एट्रीब्यूट्स, द लिमिटेड मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन सेलेक्टेड फॉर सैंपलिंग, यानी लिमिटेड मेंबर्स, हम कुछ लिमिटेड मेंबर्स को ही सेलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन में से, ठीक है, और जिसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, कॉल्ड सैंपलिंग यूनिट्स। बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ द सैंपल द एनालिस्ट विल ड्रॉ इंटरफेरेंस अबाउट द पॉपुलेशन, और इस सैंपल के बेसिस पर इसकी स्टडी करके हम इसकी, इससे संबंधित हम इंफॉर्मेशन ड्रॉ करते हैं। ओके, जैसे सपोज करिए अगर हम किसी, ये हमको किसी, जिसे ह्यूमन ब्रेन के ऊपर हमें एक रिसर्च करना पड़ जाए, ठीक है, रिसर्च करना पड़ जाए कि कौन इंसान कितने घंटे सोता है तो उसका दिमाग किस तरह से काम करता है। ठीक, अगर हम ये सभी जितने भी पर्सन हैं अगर उनके ऊपर यह रिसर्च हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और हमारी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगेगी, बहुत ज़्यादा मेन पावर्स की आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, हम सभी की स्टडी न करके हम कुछ सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं, कुछ व्यक्तियों का समूह सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम उनकी स्टडी करते हैं और उस स्टडी के बेसिस पर हम एक इंफॉर्मेशन ड्रा कर लेते हैं। ठीक, तो बताया गया है सैंपलिंग, देयर आर वेरियस एडवांटेज ऑफ सैंपलिंग, सैंपलिंग करने के हमारे बहुत सारे एडवांटेज हैं, क्या क्या एडवांटेज हैं आइए देख लेते हैं। बताया गया है लेस टाइम टेकन टू कलेक्ट डेटा, टेक मच मच लेस टाइम इन द केस ऑफ ए सैंपल देन
इन द केस ऑफ पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन की स्टडी हम करना चाहें तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर हम सैंपल की स्टडी करेंगे तो हम बहुत ही जल्द, मतलब लेस टाइम में हमारा हो जाएगा, स्टडी हो जाएगा, हम कर लेंगे उसकी। लेस कॉस्ट फॉर डेटा कलेक्शन, इफ द डेटा वेयर कलेक्टेड फॉर इंटायर पॉपुलेशन द कॉस्ट विल वेरी हाई। अगर हम सभी जितने हमारे पॉपुलेशन है अगर उनसे संबंधित हम डेटा कलेक्ट करना चाहेंगे सभी का, तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और बहुत ज्यादा उस पर कॉस्ट भी करनी पड़ जाएगी। लेकिन अगर उसमें हम सैंपल कलेक्ट करके और फिर सैंपल का हम डेटा कलेक्ट करना चाहेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारे लिए एक बेनिफिशियरी होगा, पॉइंट ऑफ व्यू टाइम हमारा बचेगा एंड कॉस्ट भी हमारी बचेगी। फिर स्कोप ऑफ सैंपलिंग इज हाई, द इन्वेस्टिगेटर इज कंसर्न विथ द जनरलाइजेशन ऑफ डेटा टू स्टडी ए होल पॉपुलेशन इन ऑर्डर टू अराइव एट जनरलाइजेशन वुड बी इम्पिरिकल। सम पॉपुलेशन आर सो लार्ज डेट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स कुड बी नॉट मेजर्ड बिफोर द मेजरमेंट हैज बीन कंप्लीटेड, द पॉपुलेशन वुड हैव चेंज्ड बट द प्रोसेस ऑफ सैंपलिंग मेक्स इट पॉसिबल टू अराइव एट जनरलाइजेशन बाई स्टडिंग द वेरिएबल्स विद इन ए रिलेटिवली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। हमने पहले ही बताया कि अगर हम स्टडी करना चाहें ह्यूमन ब्रेन की, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन की इफिशियंसी के बारे में, उसकी मेमोरी के बारे में, ठीक है, तो हम देखना चाहते हैं कि कौन इंसान कितने घंटे सोता है तो उसकी मेमोरी किस तरह से काम करती है। तो अगर हम प्रत्येक पर्सन के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर हम उसमें से उन पॉपुलेशन में से कुछ मेंबर्स को सेलेक्ट करके उनकी स्टडी करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। ये यही बता रहा है कि स्कोप ऑफ सैंपलिंग इज हाई, जहाँ बहुत ज़्यादा मेंबर होते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज मेंबर होते हैं, वहाँ हम सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ मेंबर्स को, इसे हम सैंपल करते हैं, फिर उसके बाद हम उस सैंपल की स्टडी करते हैं। एक्यूरेसी ऑफ डेटा इज हाई, जो डेटा की एक्यूरेसी होती है वह भी हाई होती है, क्योंकि अगर हमारे पास स्मॉल पर्सन रहेंगे तो हम उनके बारे में डिटेल्स में और हम इत्मीनान से हम उसकी स्टडी करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो हमारे रिजल्ट आएगा, जो हमारे डेटा हम कलेक्ट करेंगे उनसे संबंधित, उसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी। अब सपोज करिए अगर एक क्लास के 100 एक क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, अगर 100 स्टूडेंट की हम डेटा कलेक्ट करना चाहें तो हमारे लिए क्या है, डिफिकल्ट हो जाएगा और हमारी जो डेटा कलेक्ट करने की जो प्रोसेस होगी वो क्या हो जाएगी, जो मतलब उसमें हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, इसमें कुछ डेटा छूट जाएगा, कोई डेटा हम जो कलेक्ट करना चाहते हैं, जो रिक्वायर्ड डेटा है वो कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक। लेकिन अगर उसमें से हमको 10 स्टूडेंट उसमें से सैंपल ले लिए 10 स्टूडेंट का और उनसे संबंधित ही हमको डेटा अगर कलेक्ट करना हो तो हम एक्यूरेटली डेटा कलेक्ट कर लेंगे, जो हमको रिक्वायर्ड डेटा होगा वो हम इत्मीनान से कलेक्ट करेंगे, ठीक। तो इससे क्या रहेगा, एक्यूरेसी, डेटा में एक्यूरेसी बनी रहेगी। यह बताया गया है, हैविंग ड्रॉ ए सैंपल एंड कंप्यूटेड द डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द ओपन सैंपल वैल्यू। ए सैंपल रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन फ्रॉम विच इट्स इज ड्रॉन, इट परमिट्स ए हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। क्या कहता है, सैंपलिंग हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी परमिट करती है ड्यू टू ए लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन, मोर ओवर केयरफुल एक्सिक्यूशन ऑफ फील्ड वर्क इट पॉसिबल अल्टीमेटली द रिजल्ट ऑफ द सैंपलिंग स्टडी टर्न्स और द सफिशियंट एक्यूरेट, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, सफिशियंटली एक्यूरेट डेटा कलेक्ट हम कर पाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कन्वीनियंसी, जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे हमारा एक कॉलेज है या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो डेटा कलेक्ट करना चाहता है किसी से संबंधित, तो उसके पास ऐसा हो सकता है, जो उसके पास मीन्स साधन होते हैं, मैन पावर्स,
उसके बाद हो सकता है उसके पास सफिशियंट जो मेन पावर्स होते हैं वो स्किल्स मेन पावर्स ना हो, उसके पास रिसोर्सेस मनी ना हो पर्याप्त, उसके पास टाइम ज्यादा ना हो, तो ये सब डिफिकल्टी को कम करने में हमारी सैंपलिंग बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ओके, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन सैंपलिंग आर वेरी फ्यू। ठीक, बहुत सैंपलिंग में ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम जो होती है बहुत कम हो जाती है सैंपलिंग अपनाने से। सिंस सैंपल इज ऑफ स्मॉल साइज वेस्ट फैसिलिटी आर नॉट रिक्वायर्ड, सैंपलिंग इज देयरफॉर इकोनॉमिकल इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसोर्सेस, स्टडी ऑफ सैंपल्स इन्वॉल्व लेस स्पेस एंड इक्विपमेंट। जो इक्विपमेंट होते हैं सैंपल पॉपुलेशन को स्टडी करने के, उनकी भी आवश्यकता कम पड़ती है अगर हम सैंपलिंग का सहारा लेते हैं तो। यहां बताया गया है इंटेंसिव एंड एक्सोहॉस्टिव डेटा इन सैंपल स्टडी मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन आर मेड ऑफ ए लिमिटेड नंबर सो इंटेंसिव एंड एक्सोहॉस्टिव डेटा आर कलेक्टेड। क्या होता है कि जब हम सैंपलिंग करते हैं तो जो हमारे डेटा की साइज होती है वो बहुत लिमिटेड हो जाती है, और उस जो लिमिटेड डेटा होते हैं उनसे संबंधित हम क्या करते हैं इंटेंसिव एंड एक्सोहॉस्टिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सातवां पॉइंट बताया गया है सुटेबल इन लिमिटेड रिसोर्सेस, अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या कॉलेज जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो अगर उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस मींस की लिमिटेड मैन पावर्स हैं, उसके बाद लिमिटेड मनी है, लिमिटेड टाइम है, अगर ये सब लिमिटेड इक्विपमेंट है तो उसमें सैंपलिंग जो होती है बहुत ही हेल्पफुल होती है वहाँ पर। आठवां पॉइंट हम देखते हैं बेटर रिपोर्ट, एन इफेक्टिव रिसर्च स्टडी रिक्वायर्स ए गुड रिपोर्ट बिटवीन द रिसर्चर एंड द रिस्पोंडेंट्स, व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी इज लार्ज द प्रॉब्लम ऑफ रिपोर्ट्स अराइज बट मैनेजेबल सैंपल्स परमिट द रिसर्चर टू एस्टेब्लिश एडिक्वेट रिपोर्ट विथ द रिस्पोंडेंट। जो एक रिसर्चर होता है जो रिस्पोंडेंट होता है, क्या होता है रिसर्चर कुछ क्वेश्चन पूछता है रिस्पोंडेंट से और रिस्पोंडेंट क्या होता है उसके संबंधित वो क्वेश्चन का आंसर देता है। अगर हमारे लार्ज पॉपुलेशन होगा तो हम ये जो क्रिया होती है जो डेटा कलेक्ट करते हैं जैसे इंटरव्यू के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, सर्वे के माध्यम से, ये क्या होता है इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई होने लगती है, हम इंटरफेयर जो इंटरफेस होता है वो नहीं हो पाता है, मतलब एक जो लगाव होता है जिसे एक क्या होता है वो रिस्पोंडेंट और जो रिसर्चर होता है इनमें जो तालमेल होता है लार्ज पॉपुलेशन के केस में नहीं हो पाता है। लेकिन नंबर्स ऑफ मेंबर्स अगर कम रहेंगे, पॉपुलेशन कम रहेगा जिसे सैंपलिंग ले लेंगे तो हम किसी से अगर हमारे पास 10 सैंपल हैं तो उनसे हम इंटरेक्ट होकर अच्छे से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, ये हमारी एडवांटेज होती है सैंपलिंग की। और डिसएडवांटेज भी सैंपलिंग का कुछ डिसएडवांटेज भी होता है, क्या क्या डिसएडवांटेज होता है, पहला डिसएडवांटेज हमारा हो सकता है चांस ऑफ बायस, बायस जो हमारा रिसर्चर होता है जो सैंपलिंग कर रहा हो सकता है वो बायस हो जाए, अगर वो बायस वे में सैंपलिंग कलेक्ट करेगा तो वो हमारा जो रिजल्ट आएगा उससे वो हमारा अनएक्यूरेट होगा, वो एक्यूरेट हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे क्या होता है कि इसका सब सैंपलिंग का सबसे बड़ा लिमिटेशन ही हमारा बायस होना है, रिसर्चर का बायस होना, अगर रिसर्चर बायस होगा तो वो अपने मन मुताबिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, जो उसे अच्छा लगेगा उससे संबंधित वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और जो उससे अच्छा नहीं लगेगा वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट वो नहीं करेगा, इससे क्या होता है रिजल्ट हमारा जो होता है वो न्यूट्रल नहीं हो पाता है, ठीक, वो बायसफुल हो जाता है जिससे हमारा डेटा भी क्या होता है अनएक्यूरेट हो जाता है। यहाँ बताया गया है द सीरियस लिमिटेशन ऑफ सैंपलिंग मेथड इज दैट इट इन्वॉल्व्स बायस्ड सिलेक्शन एंड थेरबाय लीड्स अस टू ड्रॉ इरोनस कंक्लूजन, माने कंक्लूजन में हमारा क्या होता है एरर्स हो जाता है। बायस अराइज व्हेन द मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स एम्प्लॉयड इज फॉल्टली, जब हम मेथड जो सैंपलिंग का जो मेथड होता है अगर उसको हम फॉल्टली सिलेक्ट करते हैं तो वहां पर हमारा ये बायसनेस हो जाता है। रिलेटिव स्मॉल सैंपल्स प्रॉपरली सिलेक्टेड में बी मच मोर रिलायबल देन लार्ज सैंपल्स
प्रॉपरली सिलेक्टेड, यहाँ बताया गया है अगर हम जो सैंपल है अगर वो छोटा ही सिलेक्ट करें, लेकिन कैसे तरह से रिलायबल सैंपल हम सिलेक्ट करें, स्मॉल सैंपल हम सिलेक्ट करें लेकिन वो प्रॉपरली रूप से सिलेक्टेड किया गया होगा तो क्या होगा, वो रिलायबल होगा। लेकिन अगर हम लार्ज सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं लेकिन जो हमारा सिलेक्ट करने का मेथड से वो पुअर है, ठीक है, पुअरली है, तो वो क्या हो जाएगा, वो अनइफिशियंट हो जाएगा। डिफिकल्टी इन सेलेक्टिंग ए ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स, जो हमारा लार्ज पॉपुलेशन है उसमें से हम किस किस को सेलेक्ट करें, हमारे पास यह भी समस्या हो जाती है कि किस मेंबर्स को हम सेलेक्ट करें कि वो होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके, ये हमारे पास सबसे बड़ी समस्या होती है। ठीक, तो एक यह डिफिकल्टी होती है कि जो हमारा एक लार्ज पॉपुलेशन है जैसे हमारे 10 नंबर्स हैं इसमें से हम किस किस को सेलेक्ट करें, ठीक, ये हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, इन एडिक्वेट नॉलेज इन दिस सब्जेक्ट, अगर जो सैंपलिंग कर रहा है अगर उसके पास इन एडिक्वेट नॉलेज है, उसे यह नहीं पता है कि किस तरह के सैंपल को कलेक्ट करते समय किस तरह की सैंपलिंग मेथड का हमें प्रयोग करना चाहिए, अगर उसके पास इस तरह की नॉलेज का अभाव है तो वहां पर भी हमारी सैंपलिंग क्या हो जाती है, वो एरर्स हो जाती है, उसमें एरर्स हो जाता है, ठीक, और जो हमारी जो रिजल्ट आता है वो एक्यूरेट नहीं रह पाती है और जो रिजल्ट हमारा होता है वो मिसलीडिंग हो जाती है, वो मिसलीड करने लगता है। ठीक, तो हम बताया गया है यूज ऑफ सैंपलिंग मेथड्स रिक्वायर्स एडिक्वेट सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, यानी जो सैंपलिंग कर रहा है उसके पास उस क्षेत्र से संबंधित एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए, इन सैंपलिंग टेक्निक्स सैंपलिंग टेक्निक्स से संबंधित उसके पास एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए। सैंपलिंग इन्वॉल्व्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड कंक्लूजन ऑफ प्रॉपरली एरर्स व्हेन द रिसर्चर लॉक्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी अगर रिसर्चर के पास स्पेशलाइज नॉलेज की कमी है तो वो क्या करता है, इन सैंपलिंग ही में कमिट सीरियस मिस्टेक, तो वो सैंपलिंग करते समय बहुत ही सीरियस मिस्टेक कर सकता है, बहुत बड़ा मिस्टेक कर सकता है और जिसका परिणाम क्या होगा कि रिजल्ट जो हमारा आएगा सैंपलिंग का वो मिसलीडिंग करने वाला होगा। चेंजेबिलिटी ऑफ यूनिट, इसकी कहने का क्या मतलब है कि व्हेन द यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर नॉट इन होमोजीनियस द सैंपलिंग टेक्निक्स विल बी अनसाइंटिफिक इन सैंपलिंग थ्रू the numbers of cases in small, it is not always easy to stick to the select cases, the units of sample may be widely displayed, कहा गया है। जब homogeneous population होते हैं तो वहां पर sampling लेना आसान होता है, लेकिन जब हमारी जो पॉपुलेशन हो वो होमोजीनियस नहीं होती है, माने एक रूप नहीं होती, उसमें समानता नहीं होती है, तो वहां पर सैंपलिंग करने में कठिनाई होती है या ऐसा हो सकता है कि वहां पर सैंपलिंग किया ही न जा सके। अब देखिए जैसे हम एक क्लास लेते हैं, क्लास टेंथ स्टैंडर्ड की बच्चों की हम हाइट का कैलकुलेशन करना चाहते हैं, हम उसकी एवरेज हाइट निकालना चाहते हैं कि इनमें से जो बच्चे हैं स्टूडेंट हैं उनकी एवरेज हाइट या एवरेज वेट क्या है, ऐसा हम सैंपल मतलब कलेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर इसमें एक वंथ मतलब फर्स्ट क्लास के एक बच्चे को भी उसमें मिला दिया जाए, फर्स्ट क्लास एंड टेंथ क्लास के बच्चों को मिक्स करके फिर उसके बाद हम सैंपलिंग लेकर उनकी हाइट का कैलकुलेशन हाइट डिटरमाइन करें या वेट डिटरमाइन करें तो यार सफिशियंट नहीं होगा, क्योंकि जो टेंथ स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है उसकी हाइट अधिक होगी और जो फर्स्ट क्लास का जो बच्चा है वो उसकी हाइट कम होगी, तो उसमें क्या है होमोजीनियस नहीं है, वो एक रूप उसमें समानता नहीं है, इसलिए यहाँ पर सैंपलिंग लेना हमारा क्या हो जाएगा, वो मिसलीडिंग करने वाला हो सकता है। तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सैंपलिंग, कभी कभी क्या होता है कि सैंपलिंग करना ही हमारे लिए क्या हो सकता है इम्पॉसिबल हो जाए कि वहां पर सैंपलिंग किया ही ना जा सके। देखिए क्या बता रहा है, ड्राइविंग ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल इज डिफिकल्ट, माने कभी कभी ऐसे पॉपुलेशन मिल सकते हैं जिसमें हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा सैंपल उसमें से ले जो कि होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके,
when the universe is too small, बहुत ज्यादा छोटा है, या too heterogeneous, या उनमें बहुत ज्यादा क्या असमानता हो. In this case, senses study is the only alternative. तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर कोई population है जो कि बहुत too small, बहुत ज्यादा छोटा है, स्मॉल है, या टू हेट्रोजीनियस, उसमें बहुत ज्यादा असमानता है, तो वहां पर अच्छा यही रहेगा कि आप वहां पर सैंपलिंग मत करिए और वहां पर आप क्या स्टडी करिए, सेंसस स्टडी करिए, उसके स्थान पर सेंसस का स्टडी, पूरे पॉपुलेशन का ही स्टडी कर लीजिए. मोर ओवर इन स्टडी रिक्वायर ए वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, द सैंपलिंग मेथड में भी अनसुटेबल. अगर कोई हमें बहुत ज्यादा हाई एक्यूरेटली इंफॉर्मेशन चाहिए, हाई एक्यूरेटली कि इधर से उधर ना हो, हमको एकदम एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, तो वहां पर बेटर यही होगा कि आप एक हर एक पॉपुलेशन की अलग अलग स्टडी करिए, क्योंकि सैंपलिंग में क्या होता है, हमारा ऊपर नीचे रिजल्ट हो सकता है. There will be chance of error even if samples are drawn most carefully. अगर हम बहुत ज्यादा भी अगर carefully रूप से sample select करते हैं तो भी हमारा mistake होता है, errors होने का mistake, error होने का chance हमेशा बना रहता है. और फिर sampling हम इस video lecture में यहीं पर discuss करते हैं. अगले video lecture में हम टाइप्स ऑफ सैंपलिंग मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.